Hey guys, welcome back to the studylamp.team. मैं चंद्र सावल आज फिर आपके सामने इंडियन पॉलिटिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की और डिस्कशन शुरू करूंगा. टुडे वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. हम संविधान के विषय में बात करेंगे. आखिर संविधान क्या होता है, संविधानिक व्यवस्थाएं क्या होती है, संविधान का मूल तत्व क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर चर्चा की जाएगी. लास्ट वीडियो में हमारी चर्चा रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड लॉ के बीच का डिफरेंस. अब उसमें हमने ये देखा था कि जो भारत का संविधान है या जो संविधान होता है वो सरकार के नीति निदेशक तत्वों के रूप में, उनको गाइडलाइंस के रूप में कि वो शासन व्यवस्था को कैसे चलाए, कैसे बनाए, और दूसरी तरफ जो बेसिक लॉ है वो सिटीजन को कंसंट्रेट करते हुए चलता है. फिलहाल हम बात करते हैं भारत के संविधान की ओर. सो शुरुआत इस बात से करेंगे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है और आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों. That's very important to understand. संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे. फिलहाल हमने लास्ट क्लास में ये बताया था कि संविधान एक तरह का गाइडलाइन है, एक गाइड मैप है टू गवर्न द कंट्री इन प्रॉपर वे. हम बहुत बेसिक रूप में इसको अंडरस्टैंड करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अ स्टेट टू गवर्न its people in a proper or you can say welfare manner. ठीक है. So what is constitution? संविधान वो एक नियम व अधिनियम है जो स्टेट सरकार को दिया गया है, राज्य को दिया गया है कि वो अपनी जनता को सही रूप से वेलफेयर मैनर में उन्हें गवर्न करे. So इस रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो परफेक्ट इफेक्ट है या जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ना है. ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो बेसिकली है वो फॉर स्टेट है टू गवर्न द पीपल इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर और वेलफेयर मैनर, ताकि वो अपने समाज के लोगों को, अपने नागरिकों को सही रूप से गाइडलाइन कर सके. अब शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से काम किया, हम शॉर्ट स्टोरी में देख सकते हैं. इनिशियल स्टेज में जब आदि मानव समाज था तो पीपल लीव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट फॉर्म. और यू कैन से जो अर्ली मेन स्टेज है आदिमन समाज, उस दौर के पे ये लोग नॉमेडिक थे. ठीक है, खाना बदोश जीवन था, नॉमेडिक लाइफ थी, और यू कैन से नो सेटल लाइफ. इनका जीवन स्थिर नहीं था. तो जीवन स्थिर नहीं था तो ऑब्वियसली 10 से 15 लोगों का ग्रुप था, देयर इज नो लाइफ. एंड तो के डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वी के हम उसे डिफाइन करते हैं, जो बेसिकली हम मत्स्य लॉ या हम उसे कहते हैं जंगल राज, या जो आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्ट्रगल. तो एवरीथिंग इज टोटली डिपेंड ऑन द नॉमेडिक लाइफ, सेटल लाइफ. समय के साथ साथ ह्यूमन सिविलाइजेशन में डेवलपमेंट हुआ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जैसे हम मानते हैं फायर और फायर के बाद एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर ने एक सेटअप को रूल लाइट कर दिया, इम्पैक्ट प्रोवाइड कर दिया, जिसके तहत ये काम शुरू हुआ. एग्रीकल्चर की वजह से ये लोग एक जगह सेटल होने लगे एंड दे बिगिन टू सेटल देयर लाइफ इन अ विलेज फॉर्म. तो सबसे इंपॉर्टेंट है विलेज लाइफ डेवलप होने लगी, और विलेज के साथ साथ सोसाइटी भी, समाज का या ग्राम समाज का विकास होने लगा. स्टिल देयर वाज नॉट प्रॉपर लॉ एंड फंक्शन इन द सोसाइटी. इट्स टोटली डिपेंड हाउ दे प्रोड्यूस एंड देयर यूटिलाइजेशन. नाउ वी नीड टू सी हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वर्क आउट. अब बहुत सारे गांव डेवलप होने लगे, विलेज वन, विलेज टू, विलेज थ्री, विलेज फोर. Everything is going to be well. Production तेजी से बढ़ने लगा और सामाजिक चीजों का बढ़ाव होने लगा, या यूं कहें ग्राम विकास व्यवस्था बढ़नी शुरू हुई. अब इसी बीच कभी कभी what you can say agriculture production जो है production को बढ़ाएगा, और जितना भी production होगा वो एक ही time पे consume नहीं होता. So it will lead to the storage. ये storage को बढ़ाती है, बढ़ावा देता है. एंड स्टोरेज के लिए जरूरी हो जाता है उसकी प्रोटेक्शन की और भी बात करना. दोज विलेज विच आर मस्कुलर पावर, जो ताकतवर थे और जिनका प्रोटेक्शन कम होता था, फॉर द स्टोरेज अमाउंट के लिए वो एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते थे. सो देयर वाज अ नीड टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड देयर स्टोरेज प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन समाज को सुरक्षित करना एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया. दीज पीपल गेट टूगेदर, इन लोगों ने आपसी रूप में समझौता किया और निर्णय किया कि कुछ लोग उनको सुरक्षा प्रदान करें और
इसके बदले में जो इनकी आवश्यकता होगी वो उसकी पूर्ति करेंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इन लोगों ने डिमांड किया टू प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रोडक्शन, अपने जीवन की सुरक्षा और साथ ही साथ अपने उत्पादन की सुरक्षा, इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया। दिस वॉज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिकिज्म। डू रिमेंबर रिपब्लिकिज्म इज द मोस्ट और इनिशियल फॉर्मेट रिपब्लिकिज्म, ठीक है, गणतंत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई और यहां पर पब्लिक इलेक्टेड पर्सन को या पब्लिक एक व्यक्ति को चुनती है जो तो प्रोटेक्शन का प्रॉमिस करता है, बट समय इनको प्रोटेक्शन का समय देता है जिसके बदले में इनको ये इनको प्रोटेक्शन का सपोर्ट देगा और ये इनके बदले में इसको स्टोरेज का डेवलपमेंट देंगे। तो यहां से स्टाइल डेवलपमेंट हुआ एक प्रोटेक्शन, एक रूलिंग सिस्टम का, विच बिकेम टू बी नोन एज किंग, जिसे उस क्षेत्र का राजा कहा जाने शुरू किया। समय बढ़ता गया, राजा का बेटा ही राजा बनना शुरू हो गया, ठीक है, तो किंग सन बिकम किंग अगेन, वही किंग बनना शुरू हो गया। इस लिहाज से जब राजा का बेटा या पावर किंगशिप पॉलिसी में आ जाती है कि राजे परिवार से ही कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, दैट इज लीड टू द मोनार्की सिस्टम, जन्म हुआ मोनार्किज्म का, राजतंत्र व्यवस्था का। सो टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स ऑन, सो मोनार्किज्म कैसा वर्क करता है, मोनार्किज्म इज टोटली बेस्ड ऑन एब्सोल्यूटिज्म की ओर सिद्धांत पे है, जिसका मतलब है एब्सोल्यूट सत्ता का पूरा अधिकार उसके पास होना। नाउ सर राजा का ही ड्यूटी है सारे डिसीजन लेना, इससे पहले क्या था, प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन, जितना भी उत्पाद कर रहे हैं और जीवन की सुरक्षा उनके लिए जरूरी थी, क्यों, क्योंकि जो पावरफुल लोग थे दूसरे गांवों के जो ताकतवर थे वो कमजोर लोगों पर अटैक करते थे, उनका उपज उनके अधिकार को उनकी बचाए गए स्टोरेज को छीन के ले जाते, टाइमली इट वॉज रिक्वायर्ड कि कोई ना कोई उन्हें प्रोटेक्ट करे, सो दे कनेक्टेड अ पर्सन जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एंड देयर पर्सन हु इज बीइंग इलेक्टेड बाय द सोसाइटी जो विलेज लेवल से हुआ है, टू स्टार्ट हुआ रिपब्लिकिज्म। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉलिटिकल लेवल कि रिपब्लिकिज्म एक सबसे इनिशियल ओरिजिन के लेवल पर माना जाता है। समय के साथ साथ राजा ने ही जब अपने बेटे को गद्दी प्राप्त करने दी और किंगशिप पॉलिसी आई जहां पर पारिवारिक लोगों को शामिल किया गया, नेपोटिज्म की जिसको बात करते हैं, वो इसमें डेवलप हुआ, तो ये बन गया मोनार्किज्म। क्योंकि गांव समाज का निर्णय उनके प्रोटेक्शन के साथ साथ लोगों ने आपसी मतभेद के मुद्दे भी उनके सामने रखने शुरू कर दिए, तो राजा के पास अब दो राजा हो, काम हो गए, एक हो गया पीस एंड सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करना, और दूसरा हो गया वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करना। तो यहां से शुरुआत हुई राजा के कार्यों की, पीस एंड सिक्योरिटी प्राइमरी है और रूल्स एंड रेगुलेशन सेकेंडरी रोल है। इवन टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी इन द नेशन एंड सेकेंडरी टू मेंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री एज वेल। देश की सुरक्षा का पहला कार्य निभाते हुए भारत के प्रधानमंत्री और किसी भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वहां के लोगों की सुरक्षा के साथ साथ उनको न्याय व्यवस्था का एक सही रूप प्रदान करे। This led to the development of monarchism later on, who became the absolute. अब वो elect नहीं है, every power come to inside. समय के साथ जब ये power absolutism के रूप में develop हुई, ये monarchy role autocratic के रूप में, या जो कहें तानाशाही dictatorship में आई, then people get together again and ask for some law for this monarch. So monarchy के rule के ऊपर एक कानून व्यवस्था पैदा की गई, एक rule पैदा किया गया, वो कानून जो इस राजा को कंट्रोल करेगा, एंड दिस लॉ टू बी नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स ब्यूटी फ्रांस। तो वो कानून जो अब राजा को कंट्रोल करेगा, राजा जिसका काम क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन को और पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, अब राजा एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि कंट्रोल्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस लेड टू बी लिमिटेड गवर्नमेंट, और यू कैन से लिमिटेड स्टेट, आप इसे लिमिटेड गवर्नमेंट कह सकते हैं या लिमिटेड स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल इस बात से है कि वो एक सीमित सरकार का निर्माण करता है, एक सीमित व्यवस्था का निर्माण करता है जहां राजा की पावर डिफाइंड है, कंट्रोल्ड है, क्योंकि इसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं जो स्टेट, जिसे हम क्या कह रहे हैं, किंग की बात कर रहे हैं, ये स्टेट कौन है, किंग के रूप में रेफर होता है। सो रूल्स एंड रेगुलेशन रेफर टू द स्टेट, स्टेट जो है किंग है, उसको रूल डिफाइन करता है कि वो अपने पब्लिक को प्रॉपरली बिल्कुल करे। अर्ली टू दिस, इससे पहले वो क्या था, एब्सोल्यूट था, वो जैसा चाहे वो कानून बनाता था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत हुई और इस रूप में कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एस्टैब्लिशमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ लिमिटेड गवर्नमेंट
का होना, सरकार का होना, लेकिन सरकार की ताकतों का सीमित होना, ये बात क्लियर है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, संविधानिक वाद की बात करते हैं, तो हम ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, संविधानवाद या संविधान का तात्पर्य एक सीमित सरकार से है, और सीमित लिमिटेशन का मतलब सरकार की लिमिटेड पावर से है कि वह अपनी पावर को एब्सोल्यूट फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, गलत रूप में प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन का नाम है संविधान। अब हम ये देखते हैं कि आखिर संविधान की शुरुआत कैसे हुई, कहां इसका ओरिजिन हुआ, पहला लिखित संविधान कहां हुआ, हम उन मुद्दों पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं संविधान के बारे में कि संविधान की शुरुआत कहां से हुई। संविधान की शुरुआत की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिन की, तो ओरिजिन अगर हम देखें तो इसे हम देख सकते हैं 1215 में जो मैग्ना कार्टा बनाया गया था उसके रूप में, मैग्ना कार्टा दैट वाज रिटन इन ब्रिटेन। हालांकि ये बात देखने योग्य है कि ब्रिटेन में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान की शुरुआती बात हम ब्रिटेन के रूप में देखते हैं। व्हाई टू कंसीडर अबाउट ब्रिटेन की संविधान की शुरुआत रखता है, डू रिमेंबर संविधान का तर्क हमने इस बात से किया था कि इट्स लिमिटेड द गवर्नमेंट, यहां पर एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात होती है, सरकार ऐसी जो सीमित हो, जो अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करे। बट बाय द 13th सेंचुरी जब ब्रिटेन में ये रूलिंग चल रहा था, देयर वाज अ किंग, एक राजा था जो संपूर्ण शासन व्यवस्था की देखरेख करता रहता, and he used to do every act of the government. More importantly, the king was absolute. उसके पास शासन की संपूर्ण शक्ति थी, is not to be controllable, और उसे control नहीं किया जा सकता था। ऐसे में king की शक्तियों पर रोक लगाने की व्यवस्था की बात होती थी पहली बार। आप यूएस से आप रोक समझिए या citizens के या उनके बारे में बात करें, क्योंकि एक तरफ राजा है that is the ruler, तो दूसरी तरफ है रूल्ड, शासित लोग, एंड हु इज दिस रूल्ड पीपल, किसे शासन किया जा रहा है, देयर आर सब्जेक्ट पीपल और सिटीजंस, सो देयर इज अ सिटीजन और यू कैन से सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा से, तो यहां रूलर है और यहां पर रूल्ड है, राजा और दूसरी तरफ प्रजा, राजा की शक्ति है उसकी एब्सोल्यूट पावर बनती है लॉ से, तो राजा अपनी शक्तियों का निर्माण किस रूप में करता है, बाय मेकिंग मोर लॉज, एज मच एज ही क्रिएट्स न्यू लॉज ही बिकम्स मोर पावरफुल, तो जितने ज्यादा वो कानूनों का निर्माण करता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली हो जाता है। तो जनता के अधिकार और शक्ति क्या है, जनता के अधिकार और शक्ति है उनकी राइट्स, सो एज मच एज द राइट्स आर क्रिएटेड, जितने ज्यादा अधिकारों का निर्माण किया जाता है द सिटीजन बिकम मोर पावरफुल, नागरिक और ताकतवर, and now they are the vice versa to each other, which means to laws or rights dono ek dusre ki vice versa rehte hain, reverse rehte hain, ya that we can say in proportional format mein hai, if laws are being created the rights are becoming law, if laws rights are impeded usse zyada improve kiya jata hai to laws become lesser, so what we can see powerful kaun hoga is pe depend karta hai ki kanun ka nirman ho raha hai adhikaron ka nirman। हम किसी भी सरकार को इस बात पर टच कर सकते हैं कि वो शक्तियों का निर्माण कर रहा है या अधिकारों का। We need to look in our government, पिछले साल सरकारों में 10-15 सालों में सरकार ने कितने अधिकार बनाए हैं और कितने राइट्स की बात हुई है या कानूनों का निर्माण ज्यादा हुआ है, तो इस अधिकार और कानूनों के बीच में हम बात कर सकते हैं कि सरकार अपने आप को पावरफुल बना रही है या सिटीजन को पावरफुल बना रही है। नाउ बाय 1215 जब मैग्ना कार्टा का निर्माण हुआ तो मैग्ना कार्टा वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लॉ जहां पर जनता के अधिकारों की बात हुई, और जब पहली बार अधिकारों की बात हुई तो पहली बार सरकार के ऊपर एक लिमिटेशन आया कि सरकार को ये अधिकार देना होगा या इस नागरिक की इस अधिकारों की बात होगी। सरकार इज जस्ट लाइक एन कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ राइट टू लाइफ के रूप में, हम बात करें कि सरकार किसी एक व्यक्ति को बेवजह नहीं मार सकती, इट मींस द एब्सोल्यूट पावर वाज लिटिल बिट ब्रोकन डाउन एंड सो ऑन। जैसे जैसे नए नए अधिकारों की बात हुई द गवर्नमेंट द पावर द स्टेट was limited. So constitution का जो basic feeling है वो limited government से। Now इस संविधान की पहला written constitution के format में पहला लिखित संविधान कहाँ develop होता है? पहले लिखित संविधान की बात होती है अमेरिका में, US में। US constitution is the world first constitution.
which was can be seen 1787 की तरह की शुरुआत हुई एंड देर आफ्टर 89 में उसमें अमेंडमेंट्स हुए 91 में अमेंडमेंट्स हुए सो ऑन अमेंडमेंट चलते हैं बस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड सो ऑन समय के साथ साथ नए नए कानून का निर्माण किया जिसमें इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान जो है 1950 का दैट बिकेम द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड और यू कैन से लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान ठीक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन सी कॉन्स्टिट्यूशन की पर्सपेक्टिव इसकी शुरुआत मैग्ना कार्टा से होती है एंड डू अंडरस्टैंड क्या मतलब है संविधान का सरकार की सीमित शक्तियों करना या सरकार को सीमित करने से सरकार को बताना रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करना कि वो काम कैसे करें अपने सिटीजन को क्लियर कैसे रूल करें पहली बार इसकी शुरुआत मैग्ना कार्टा के रूप में लिखते हैं जहां जनता के अधिकारों की बात हुई इट मीन्स पहली बार राजा के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की गई फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पहला लिखित कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहला लिखित संविधान अमेरिका का है 1787 के दौरान 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की आजादी की लड़ाई शुरू हुई After 11 years of working, they restored their writing constitution and so on. They make some amendment and kept on working on. Second last, we have seen in 1950 the Indian constitution which became the largest written constitution of the world. So, संविधान के इस रूप में हम ये देखते हैं कि संविधान एक ऐसा rules and regulation है जो ये define करता है कि सरकार, राज्य या राजा जो भी powerful है, चाहे वो prime minister हो या president हो वो अपने गवर्नमेंट को अपने पब्लिक को किस तरह से रूल करेगा कैसे उन्हें गवर्न करेगा या फिर हम ये भी देख सकते हैं इसका जो सीधा तर्क है एक लिमिटेड गवर्नमेंट के स्टेबलिशमेंट की बात हो रही है एक ऐसी सरकार जहां शासन तो हो लेकिन शासन अपनी शक्तियों का एब्सोल्यूट फॉर्म में दुरुपयोग ना करे द पावर शुड बी कंट्रोल एंड शुड बी वेलफेयर टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ द कंट्री वो नागरिकों के विकास के रूप में काम करे सो दिस इज द वे अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सीमित शक्ति की बात करता है शासन की सीमित शक्ति के बारे में बात करता है जनता के अधिकारों के रूप में बात करता है संविधान का तात्पर्य वाली जो हम क्लियरली डिफाइन करते हैं एक लिमिटेड शासन से है सीमित शासन से है सरकारों के सीमित संतान से है ताकि वो शक्तियों का दुरुपयोग ना करे तो आज के लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके विषय में बात कर चुके हैं अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत का संविधान क्या है और संविधान के अंदर जो इनबिल्ट्स है उसके कॉम्पोनेंट्स है या उसके इंटीग्रेंट्स है हम उन चीजों पर चर्चा करेंगे तो आज के लिए इतना काफी है टिल देन टेक केयर नमस्कार